लेकिन पोर्टर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। ट्वीट वगैरह में कुछ कहा होगा, ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता। हम तो वो देख रहे हैं जो हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट हुआ है, उसमें ऐसी कोई बात हमें उन्होंने नहीं कही है, ना उनसे जो मीटिंग्स हुई है उसमें कोई इस तरह कहा गया है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह बजट बना लें कि आम आदमी को जिस हद तक हो सके रिलीफ दें। IMF मिशन चीफ का बयान, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का सख्त रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं, पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। आयशा गौस पाशा ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। उम्मीद है कि नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। हर वक्त प्लान भी मौजूद होता है। हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। नए माली साल का बजट इलेक्शन ईयर बजट होगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कोशिश होगी कि आम आदमी पर मजीद बोझ ना डाला जाए। IMF पाकिस्तान को टारगेटेड सब्सिडी की इजाजत देता है। फैसला कर ले, मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा या डंडे के जोर पर। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से ताल्लुकात कशीदा होने की तरदीद कर दी। कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान इमरान खान से सवाल किया गया कि आरिफ अलवी के साथ कोई राबता है। इमरान खान ने कहा कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक ही चीज़ है, इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट चला रही है। ऐसी बात दुरुस्त नहीं कि मेरा आरिफ अलवी से राबता नहीं। जहाँ तक मुझे पता है, दो दिन के बाद वैसे भी वो कानून बन जाना था। इस वक्त इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। चीफ जस्टिस के कहने पर उनसे मुज़ाकरात शुरू किए थे। जिस तरह लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ये तो ब्लैकमेल करने की कोशिश है। उधर 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जमानत के लिए एहतसाब अदालत में पेश। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब भी हमें ज़रूरत होगी बुशरा बीबी हमारे साथ तफ्तीश में तआवुन करें। इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस में जमानतों में तौसी कर दी गई। ऑडियो लीक्स कमीशन बेंच पर एतराजात काम कर गए। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर मुख्तसर तरीन समाअत। समाअत से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज करने वाली हुकूमती दरख्वास्त वापस कर दी। समाअत के आगाज पर ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। आइंदा हफ्ते कुछ आईनी मुकदमात हैं जिनको हमने सुनना है। विफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज उठाए गए हैं, इनको पहले सुनेंगे। विफाकी हुकूमत ने सदा की थी कि 5 रुकनी बेंच में शामिल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक का मुकदमा न सुने। हुकूमत के एतराज के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन भी मैदान में। ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी 5 रुकनी बेंच में से 3 जजेस पर एतराज उठा दिया। तहरीरी जवाब में कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोज हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर केस ना सुने। चीफ जस्टिस और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद के भी पाबंद हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जजेस का हल्फ ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखने का कहता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की अपनी ऑडियो भी मंजरे आम पर आ गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने बतौर फरीक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून 2023 को कलदम करार देने की इस्तदा कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने स्पेशल कमेटी की जानिब से नजम साकिब को समन किए नोटिस को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सवाल उठाया, ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, यह प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। साकिब निसार जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उन्होंने इस मुल्क में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुंचा है। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो किसी की जाती गुफ्तगू नहीं। साकिब निसार का बेटा PTI के टिकट्स बेचने की बात कर रहा है। ऑडियो की तफ्तीश होगी और होनी चाहिए, किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की हंगामा खेज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर ने कहा कि साकिब निज़ार ने इमरान खान के मुखालफीन को चुन चुन कर सजाएं दी, इनसे खास मोहब्बत की जा रही है, रेड कार्पेट दिया जा रहा है, साकिब निज़ार को जेल में होना चाहिए। मुल्क में पार्लियामेंट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, किसी को भी पार्लियामेंट की तौहीन का इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के एक मेंबर को भिजवा दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के अलावा जस्टिस काजी फायजी सा, सरदार तारिक मसूद, सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख और लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के पास बतौर चेयरमैन जुडिशियल काउंसिल इजलास बुलाने का इख्तियार है। आलिया अदलिया के जजेस के कंडक्ट और रेफरेंस की तश्कील पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास। 5 रुकनी खसूसी कमेटी ने मोहसिन शाहनवाज रांझा को चेयरमैन मुंतखब कर लिया। कमेटी ने अदलिया के गलत चीज़ों से मुतालिक वज़ीर कानून से ब्रीफिंग तलब कर ली। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, पार्लियामेंट ने महसूस किया कि इंसाफ के पलड़े में ज़ातियात को सामने रखकर फैसले किए जाते हैं, जजेस एतराज पर बेंच छोड़ जाते हैं, सियासी मामलात एक ही बेंच में गए। मरदमशुमारी फिर मुतनासे हो गई। एमकेएम ने नतीजे तस्लीम करने से इनकार कर दिया, विफाक को मरासला भी भिजवा दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने हसन इकबाल को लिखा कि मरदमशुमारी के आदाद व शुमार में दानिस्ता तौर पर छेड़छाड़ करके शहरी सिंध की आबादी को कम किया गया, सिंध के शहरी इलाकों को हकूक से महरूम रखने की साजिश की गई। दुरुस्त मरदमशुमारी को यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है। खत की कापी वज़ीर आज़म और चीफ शुमारियात ऑफिसर को भी भिजवा दी गई। जहांगीर तरीन को इस्लामाबाद मिशन में भी कामयाबी। पीटीआई के 60 से जायद साबिक अरकान असेंबली और रहनुमाओं के राबते। तहरीक इंसाफ सिंध के साबिक सदर अमीर बख्श भुट्टो का भी जहांगीर तरीन से राबता। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की मजीद अहम सियासी शख्सियात से आज भी मुलाकातें होंगी। जराए ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन ने जनूबी पंजाब से अहम शख्सियात के साथ मुलाकातों के बाद अपनी पार्टी के नाम पर मुशावरत भी मुकम्मल कर ली। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और मुल्तान से सलमान नईम का भी जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद मिशन मुकम्मल करने के बाद कल लाहौर पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात का इम्कान। लाहौर में कयाम के दौरान मुख्तलिफ सियासतदान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में नवानी ग्रुप का नाम लिया जा रहा है। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद और दीगर सियासतदान भी आज साबिक सदर से मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत करेंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नैब के रेडार पर आ गए। ज़रा के मुताबिक महकमा फिशरीज से वज़ीर आला के इलाके से की गई भर्तियों का रिकॉर्ड तलब। 1200 मिलियन की ट्राउट फिश फार्म्स की तफसीलात भी मांगी गईं। नैब ने सवाल से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई वज़ीर प्राय लाइफ स्टॉक और फिशरीज मुहिबुल्ला के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी। पाकिस्तान के तमाम इदारे दस्तो गिरेबा हैं। इलेक्शन जितना लेट होगा उतना ही मसाइल में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पीडीएम को 2-4 माह और भी मिल गए तो तब्दीली नहीं आएगी। इस वक्त जीना और मरना दोनों मुश्किल हो गए हैं। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी नाकामियों का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पीटीआई और पीडीएम दोनों हुकूमतें नाकाम हो गए। आज कोई एक इदारा पाकिस्तान को मौजूदा हालत से नहीं निकाल सकता, अगर कोई हल है तो वो मुत्तहिद होकर ही निकल सकता है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, सी पैक एक कैच था जिसे हमने ड्रॉप किया।
चीन को नाराज किया गया और एक एक करके सारी कंपनियां पाकिस्तान से जाना शुरू हो गई। सोच के साथ हमें अपना चॉइस भी ठीक करना होगी। वक्त आ गया है कि हम तमाम पाकिस्तानियों को आगे लाकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने का मौका दें। स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत में इजाफे पर बैंकों को 9 माह बाद क्लीन चिट दे दी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि तहकीकात का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया जिसमें कोई गैर कानूनी अमल नहीं देखा गया। बैंकों की जानिब से डॉलर की कदर में खुद साख्ता इजाफे पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हुकूमत की इजाज़त से बैंकों पर माली जुर्माना या इन्फोर्समेंट इकदाम किए जाएंगे। नेप्रा ने बिजली 1.61 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। नेप्रा हुकाम के मुताबिक अप्रैल में पानी से 10.23% जबकि कोयले से 16.06% कम बिजली पैदा की गई। अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की जेल में 20 साल बाद मुलाकात। जेल के कमरे में होने वाली मुलाकात में दोनों के दरमियान मोटा शीशा लगा हुआ था। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुलाकात की तफसीलात बता दी। कहा आफिया सिद्दीकी ने सफेद स्कार्फ और जेल का खाकी लिबास पहना हुआ था। सैनिटर मुश्ताक अहमद कल डॉक्टर आफिया से मिलेंगे। मुलाकात में डॉक्टर फौजिया और वकील क्लाइव स्मिथ भी साथ होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का क्रीसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमंद का दौरा। क्रीसेंट मॉडल स्कूल के साबिक तालिब इल्म सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल भी साथ थे। मोहसिन नकवी और बिलाल अफजल की अपनी मादर इल्मी में अपने असातिज़ा से मुलाकात। बच्चों से तालीमी सरगर्मियों के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने स्कूल में अपने दौरे तालिब इल्मी की यादें ताज़ा की और इन क्लासरूम्स का दौरा भी किया जहाँ वो खुद पढ़ते रहे। निगरान वज़ीर आला ने स्कूल के स्पोर्ट्स मुलाजिम अकबर को देख कर पास बुलाया और गले लगाकर हाल पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा, मैं आज जिस मकाम पर हूँ इसमें मेरे असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर की फिजाओं पर बादलों का राज। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जारी। कसूर, उकाड़ा, ननकाना साहब, बूरेवाला, पतोकी, सांकला हिल, सराय बुगल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी अबरे रहमत। पेशावर, पबी, नौशहरा और करीबी इलाकों में भी मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी। उधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी हवा हो गई। मुस्लिम बाग के इलाके में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँबहक हो गए। पीसीबी और आईसीसी हुकाम का दूसरे दिन भी इजलास। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में नदम सेठी और आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले नुमाइंदगी कर रहे हैं। एशिया कप, वर्ल्ड कप और आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पर गुज़श्ता रोज पहला इजलास हुआ था। पाकिस्तान एशिया कप के आधे मैचेस अरब अमारात जबकि भारत श्रीलंका में खेलना चाहता है। जूनियर एशिया हॉकी कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच रात 10 बजे शुरू होगा। टीम इंतजामिया का कहना है, लड़कों ने भारत और जापान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यकीन है मलेशिया के खिलाफ मैच भी जीतेंगे।